निर्भर करता है। तो हमें इंटरनल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और जो फर्टिलाइजर कंपनीज को हम सब्सिडी देते हैं उसको किसान के तरफ जरूर डाइवर्ट करना चाहिए सर। और एक बात आपके ध्यान में मैं लाना चाहती हूँ सर, सिंचाई का जितने भी हमारे देश में जो कल्टिवेबल लैंड है उसमें सिर्फ 51% का इरिगेशन फैसिलिटीज है सर, लेकिन फिर भी आज तक इस सरकार ने पिछले 5 सालों के इस साल के बजट को लेके देखेंगे तो सिर्फ 35,000 करोड़ आपने सिंचाई के पानी के लिए दिया है सर। अगर किसान की दुगनी आमदनी को दुगनी करनी है तो उसको सिंचाई का तो हमें प्रावधान देना पड़ेगा सर। हमारा राज्य जैसा है, कालेश्वरम करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं सर, नेशनल प्रोजेक्ट के लिए भी हमने काफी बार आपसे रिक्वेस्ट किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है सर तो स्टेट गवर्नमेंट का साथ तो आपको जरूर देना पड़ेगा सर। और एक बात मुझे काइंडली आपको याद दिलाना है सर, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं एक बूंद पानी से ज्यादा कल्टीवेशन करना है, यानी माइक्रो इरिगेशन को सपोर्ट करना है, लेकिन इस केंद्र सरकार सिर्फ 35% माइक्रो इरिगेशन पे सब्सिडी देती है सर। लेकिन आज जहां जितने भी हमारे सांसद बैठे आप सभी जानते हैं ये 35% का सब्सिडी सर 1.5 ईयर 2 ईयर्स लेट किसान को पहुंचता है जिसके वजह से उसको कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन हमारे जैसे राज्य है सर जो 100% SC ST किसान को सब्सिडी देते हैं माइक्रो इरिगेशन में। सर लास्ट एक डिमांड है सर, प्लीज एक डिमांड है, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सर। सर हम तेलंगाना के सरकार से TRS के पार्टी से एक डिमांड रखते हैं सर कि इंश्योरेंस में बराबर फार्मर एज ए यूनिट आपको काम करना चाहिए, उसके उसके तरफ आपका सोच जाए। और किसान के अगर इन्वेस्टमेंट को कम करना है तो लेबर और नरेगा को आप जरूर फार्मिंग के साथ नरेगा को इंक्लूड कीजिए सर। और लास्ट इम्पॉर्टेंट इश्यू ये है सर कि MSP आपने 50% ज्यादा देने का बात किया है, लेकिन MSP सर आपको भी मालूम है हम आज के डेट पे 26 क्रॉप्स को देते हैं, लेकिन सर एक ही मिनट सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट सर अटेंशन, वो दिख नहीं रही है मुझे वैसे तो सर, ये 26 क्रॉप्स को ही हम MSP देते हैं सर, लेकिन ये 26 क्रॉप्स में भी सिर्फ 2 ही क्रॉप्स हम प्रोक्यूर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी 30% गेहूं 30% प्रोक्यूर करते हैं, राइस 30% प्रोक्यूर करते हैं। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा सर। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है यू हैव टू शेक अप द सिस्टम टू मेक श्योर दैट द फार्मर्स डबल देयर इनकम सर। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज प्लीज गिव MSP टू ऑल द क्रॉप्स, इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी मूव एंड इट विल हेल्प यू इन द इलेक्शंस आल्सो सर। और फाइनेंशियल बर्डन भी इस गवर्नमेंट पे कुछ नहीं। चेयरमैन सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर giving me this opportunity to participate in the general budget discussions. So, while welcoming the budget, I would like to just bring to the attention of the House that organic farming has been recognized in this budget as a major thrust area for the government. And in this, I welcome also the Speaker's research initiative when a talk by experts, including the Honorable Governor from Himachal Pradesh, who presented in front of members of Parliament.